दो दिन पूर्व जनपद में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही फिरोजाबाद पुलिस। षड्यंत्र रच मृतक धर्मवीर के सगे जीजा ही बने उसकी जान के दुश्मन। एसओजी सर्विलांस व थाना नगला सिंगी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई ने सनसनीखेज घटना का किया अनावरण। बता दें 28 जुलाई की रात्रि में हुई हत्या के खुलासे में पुलिस को हत्यारोपियों ने बताया प्रॉपर्टी के लालच में की गई हत्या। प्रॉपर्टी के लालच में सगे भैनोइयों द्वारा अपने साले की कर दी गोली मारकर हत्या। इस घटना ने एक बार फिर प्रॉपर्टी के लालच में रिश्ते किए शर्मसार। रिश्तों ने ही रिश्तों का खून कर किया रिश्तों को शर्मसार। सगे जीजा और जीजा के भाइयों ने ही मिलकर की थी सगे साले की हत्या। प्रॉपर्टी के लालच में की गई सगे साले की हत्या सुनियोजित योजनाबद्ध हत्या होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्या का खुलासा। पकड़े गए अभियुक्त राजेश उम्र करीब 30 वर्ष, दूसरा आरोपी अक्षय उम्र करीब 26 वर्ष और तीसरा आरोपी योगेश उम्र करीब 28 वर्ष तीनों सगे भाई थाना नगला सिंगी के ग्राम लांगई के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अपने सगे साले धर्मवीर पुत्र स्वर्गीय शिवराज सिंह निवासी कुआखेड़ा थाना ताजगंज जनपद आगरा की अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इन आरोपियों को पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाले दो अवैध तमंचा खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों से घटना के बारे में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पकड़े गए अभियुक्त राजेश ने बताया कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने योजना बनाई थी कि योगेश का एक साला धर्मवीर है जिसके हिस्से में जो जमीन आ रही है वह काफी कीमती है, उसके पास काफी पैसे हैं, वह अपने घर में इकलौता लड़का है। उसकी दो बहनें हैं, बड़ी बहन उमा योगेश को ब्याही है, वहीं दूसरी बहन शशि की शादी की बात मेरे भाई अक्षय से चल रही है, जिसकी हत्या के बाद सारी जमीन व पैसा हमारे घर में आ जाना है। इसलिए हम तीनों भाइयों ने मिलकर योजना बनाई कि धर्मवीर को किसी बहाने से बुलाकर जंगल में उसकी हत्या कर देंगे। योजना के अनुसार रात अक्षय को भोपाल से बिना टिकट ट्रेन से आगरा आना होगा, जहां मैं पहले से पहुंच जाऊंगा। अक्षय को गांव छोड़ने के बहाने धर्मवीर अपनी गाड़ी लेकर आएगा और उसकी हत्या अपने गाँव के रास्ते में कर देगा और अक्षय घटना के बाद वापस अपनी यूनिट में पहुंच जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। 28 और 29 जुलाई की रात में आगरा कैंट स्टेशन पहुंच गया, जहां अक्षय भी आ गया, जहां पर मैं बाइक लेकर गाड़ी से कुछ दूरी बनाकर चल रहा था। गाड़ी को अक्षय चला रहा था, कंडक्टर साइड में धर्मवीर सीट बेल्ट लगाकर बैठा था। रास्ते में पेशाब करने के बहाने ग्वारी रोड पर अक्षय ने गाड़ी रोकी और उतर गया। धर्मवीर मोबाइल चला रहा था, तभी मौका पाकर हम दोनों ने एक राय होकर कंडक्टर साइड की खिड़की खोली और पीछे हट गए। ड्राइवर साइड की खिड़की पर अक्षय ने अपने तमंचे से धर्मवीर पर गोली चलाई जो उसके माथे पर लगी। अक्षय पीछे हट गया, उसके बाद धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद योजना के अनुसार मैं अक्षय को बाइक पर बिठाकर टूंडा ले गया, जहां मेरी बाइक पैशन प्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ी थी, उसे लेकर वापस चल दिया और अक्षय अपनी अपाचे से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और अपाचे बाइक एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़कर फ्लाइट से मुंबई होता हुआ भोपाल अपनी यूनिट में 24 घंटे के अंदर ही पहुंच गया। दूसरी तरफ मैंने अपने भाई योगेश को योजना के तहत उसके साले धर्मवीर की हत्या करने की सूचना सुबह 4 बजे ही बता दी थी कि काम हो गया, अब तुम सूचना मिलने पर पूरे से चले आना। जिसके बाद मैंने हत्या करने में प्रयुक्त दोनों तमंचों को भीकनपुर के जंगल में एक ट्यूबवेल के बराबर झाड़ियों में छिपा दिया और घर वापस आ गया। इस घटना की प्लानिंग हम तीनों भाइयों ने अब से करीब 10 दिन पूर्व ही कर ली थी। रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर। 29 की रात में एक युवक जिसका नाम धर्मवीर था, थार गाड़ी में उसका शव मिला था। उस सूचना पर उसके रिश्तेदार जो कुपेरा भाई था उसने बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण के लिए इसमें एसओजी टीम, थाना नगला सिंगी की टीम, सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। इन टीमों द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल सर्विलांस तथा गहन पूछताछ से घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प समय में किया गया है।
और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं वो तीन हैं, तीनों सगे भाई हैं। मृतक धर्मवीर का जो एक जीजा है योगेश वो 120 बी में है, अन्य उसी के जो एक बड़े भाई हैं राजेश तथा एक छोटा भाई अक्षय है, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसके बाद एक अर्टिका गाड़ी, नाजायज तमंचे, एयर टिकट आदि बरामद किए गए हैं। टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर कोई दोनों में तीनों में से कोई फौजी वगैरह भी है कोई? इसमें दो लोग फौज में है, योगेश और इसका जो छोटा भाई है अक्षय। सर पुरानी नहीं, अभी कुछ दिन पहले योगेश की शादी मई महीने में धर्मवीर की बहन के साथ हुई थी। उसके बाद उस शादी में उसने काफी पैसा इनको दिया था, कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए उसने खर्च किया था। आगरा में उसके पास काफी महंगी जमीनें हैं और उस संपत्ति की लालच में उसकी हत्या की गई है। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए आईटीआई करने का सर्वोत्तम संस्थान बीएसआईटीआई खोल रहा उज्जवल भविष्य के द्वार। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस मैथ इंग्लिश कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट काउंसलर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BSITI नियर रेलवे स्टेशन नगला विष्णु फिरोजाबाद, मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।